जीटी वर्सेस सीएसके, गिल सुदर्शन ने शतक से गुजरात प्ले अप की रेस में बरकरार। चेन्नई के लिए अगले दोनों मैच करो या मरो वाले। धोनी ने अंत में 3 छक्के लगाए व 26 रन पर नाबाद लौटे। उन्होंने आईपीएल में 250 छक्के भी पूरे किए। गिल ने 55 गेंद में 9 चौके और 6 छक्कों की मदद से 104 रन और सुदर्शन ने 51 गेंद में 5 चौके और 7 छक्कों की मदद से 103 रन बनाए। क्या खबर की पूरी जानकारी चली जानते हैं। इससे पहले आप भी गुजरात टाइटंस के फैंस तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुमन गिल और साय सुदर्शन ने न सिर्फ शतक जड़े बल्कि 210 रन जोड़ते हुए आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी की बराबरी कर गुजरात टाइटंस के चेन्नई सुपर किंग पर 35 रन से जीत दिला दी। दोनों के बीच निभाई गई ओपनिंग साझेदारी का नतीजा था कि गुजरात ने 3 विकेट पर 231 रन बनाकर आईपीएल का अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में मोहित शर्मा ने 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की। आगे चेन्नई 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन बना पाया। धोनी ने अंत में 3 छक्के लगाए व 26 रन पर नाबाद लौटे। उन्होंने आईपीएल में 250 छक्के भी पूरे किए। गिल ने 55 गेंद में 9 चौके और 6 छक्कों की मदद से 104 रन और सुदर्शन ने 51 गेंद में 5 चौके और 7 छक्कों की मदद से 103 रन बनाए। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात अभी भी प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। इस मैच में गुजरात की ओर से कई रिकॉर्ड बने। अंक तालिका का हाल, उसके 12 मैचों में 5 जीत और 7 हार के साथ 10 अंक है। वही चेन्नई की टीम इस हार के साथ भी चौथे स्थान पर बरकरार है। हालांकि उसके लिए रास्ता अब और भी कठिन हो गया है। चेन्नई के 12 मैचों में 12 अंक है। टीम के लिए अगले दोनों मुकाबले करो या मरो वाले हैं। चेन्नई के साथ दिल्ली और लखनऊ दोनों में 12-12 अंक है। आखिर में रन रेट की स्थिति बन सकती है। वही अब बेंगलुरु और गुजरात की टीमें भी प्ले ऑफ की रेस में बनी हुई है। वही गुजरात के अगले 2 मैच 13 मई को कोलकाता के खिलाफ अहमदाबाद में और 16 मई को सनराइज के खिलाफ हैदराबाद में है। वही चेन्नई का अगला मैच 12 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेपाक में है। वही उन्हें 18 मई को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से चेन्नई स्वामी में भिड़ना है। तो दोस्तों, इस बार कौन कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।